अभी मेरा कल जो यहाँ पे मीटिंग हुआ है CCI मीटिंग में, तो इस रोड के बारे में भी हम लोग ने चर्चा किया है। और लास्ट ईयर भी इस रोड का मेंटेनेंस के लिए शायद सरकार के ओर से कुछ अच्छा खासा पैसा तो दिया था, तो मगर ये मेंटेनेंस से ये काम जो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो स्टेट इम्पोर्टेंस जो प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे NIT है, आज लॉ कॉलेज का उद्घाटन भी हो गया और हमारे इस तरफ में फिल्म इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे बनने अभी जाएगा, तो ये रोड जो है बहुत बड़ा मेजर फैक्टर एक रोल प्ले किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो एक्जिस्टिंग रोड है वो सिंगल लेन है, तो मैंने अभी आज मैं पब्लिक मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, तो पब्लिक लोगों का बीच में भी ये मेरा अपना बात को रखेंगे। अगर यहाँ का पब्लिक चाहेंगे कि अगर यहाँ पे डबल लेन आए, डबल लेन अगर रोड चाहिए, तो लैंड कंपनसेशन वो लोग क्लेम नहीं करना है। लैंड कंपनसेशन अगर वो लोग क्लेम नहीं करता है, तो मैंने ऑलरेडी फ़ंड मेरे पास में रखा हुआ है, हम इसी साल हम प्रोजेक्ट को हम सेंक्शन करने के लिए भी फ़ंड मेरे पास अवेलेबल है। तो इस पॉइंट को आज मैं यहाँ के जो लोकल जितने भी यहाँ के पब्लिक लीडर्स है, जो विलेजर्स है, उनका बीच में हम ये पॉइंट रखने वाला है। इनफैक्ट हमारे अरुणाचल में थोड़ा सा एक तो जो जिस प्रकार से जो फंक्शनिंग जो हो रहा है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट में एक गैप सा है, ये थोड़ा कुछ टेक्निकल रीजंस है इसमें। मैं इसलिए बार बार हमेशा मैं बोलता हूँ कि सेपरेट कार्य होना है, सेपरेट कार्य होना है, यू नो देयर आर लॉट मेनी रीजंस। मैं किसी को इंडिविजुअल ब्लेम तो मैं नहीं ठहराता हूँ। इनफैक्ट इनोग्रेशन से पहले एक्चुअली सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट होना है, ये हम भी मानते हैं, मगर आज यहाँ पे आके देखा है तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे और भी हम लोगों को रेट्रोफिट करना है और भी कुछ कुछ नया चीज़ भी यहाँ पे बनाना है। तो एनीवे आई हैव गिवन द एश्योरेंस कि इसको हम जल्दी प्रोसेस करेंगे और इस साल जो भी फंड हम प्लेस कर पाएंगे हम इसमें ज़रूर हम प्लेस कर देंगे। इसका टाइमलाइन इस प्रकार से होगा, अभी आज का ये पब्लिक फंक्शन होने के बाद मैं ऑफिस जाके मैं एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाऊँगा और डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी उसका एजुकेशन सेक्रेटरी को भी बुला के इमीडिएटली मैं मीटिंग टेकअप करके इसके बाद तुरंत फाइल प्रोसेस करके आई थिंक विद इन ए डे और टू मैं उसका प्रोजेक्ट को सेंक्शन भी कर दूंगा। तो इसके बाद डिपेंडेंट है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन में कितना और समय यहाँ पे लग जाएंगे। हाँ, तो मैं अभी मेरा नेक्स्ट विजिट अभी NIT का ही है, वहाँ में भी मेरा एक शॉर्ट ट्रिप है, वहाँ कभी मैं विजिट करके आई विल गेट बैक।